दोस्तों स्वागत है आप सभी का फेयर कंपेयर पर। आप सभी को पता है कि मैंने थोड़े दिनों पहले पिक्सल 3 खरीदा था। अब इस पर काफी सारे सवाल पैदा होते हैं। इससे पहले हमने 3 खरीदा था, रिफर्बिश्ड खरीद रहे हैं तो दोनों ही यूज कर चुके हैं। 3 खरीदा था, इसके बाद 3A लिया। अब काफी सारे लोगों ने का ये भी क्वेश्चन है कि भाई 3A XL क्यों नहीं लिया, 3A XL इससे थोड़ा बड़ा हो जाता, आज के फोन्स के साइज का हो जाता। तो चलिए इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, मैंने क्या क्या चीजें सोची थी वो जानते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो दोस्तों हर दो फोन्स का जो कंपैरिजन करता हूँ उनमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। ऐसे डिजाइन की बात कर लेते हैं, हार्डवेयर की बात कर लेते हैं, बैटरी की बात कर लेते हैं, कैमरे की बात कर लेते हैं, आज भी वही करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। तो देखो यार, दोनों फोन्स का डिजाइन लगभग सेम है, यहाँ पर ज्यादा फर्क है नहीं। पीछे से देखोगे जिस तरीके से दिखेंगे, नीचे की तरफ मैट फिनिश, ऊपर की तरफ ग्लॉसी फिनिश, और यहाँ पर कैमरा साइड में आपको मिल जाता है एक फ्लैश, और नीचे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। फोन्स ऐसे ही हैं, लेकिन साइज में 3A XL बड़ा था। नाम ही उसका एक्सल रखा गया, यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज रखा गया। पिक्सल के सारे फोन की सीरीज देखोगे उसमें XL यानी बड़े फोन। वजन एक चीज थी कि 147 ग्राम का वजन इसका है और उसका 167 ग्राम था। अब आपको बताता हूँ, आज के समय में अगर आप एक फोन खरीदना चाहते हो 20-22 हजार रुपए तक का, तो सारे फोन बड़े बड़े ही हैं। देखो ये फोन भी आप देखोगे काफी बड़ा है, पिक्सल के मुकाबले तो बहुत ज्यादा बड़ा है, है ना। तो इन फोन्स में क्या होता है ना कि जब आप एक हाथ से इस्तेमाल करना चाहते हो फोन्स को, तो अगले कॉर्नर तक पहुंचने में, मतलब अगर मैं यहाँ से इस तरह से बोल रहा हूँ तो इस कॉर्नर तक पहुंचने के लिए मुझे दूसरे हाथ की जरूरत पड़ेगी, मतलब दोनों के दोनों हाथ आपको इस्तेमाल करने होंगे। और कई बार होता है कि हम किसी दूसरे काम में होते हैं तो नहीं इसको कर सकते हैं। ऐसे समय पर छोटे फोन, छोटे स्क्रीन का फोन जो है काफी फायदेमंद हो जाता है। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो इस वाले फोन में 5.6 इंचेस का OLED डिस्प्ले है, यानी कि AMOLED का जो पुराना वाला वर्जन है OLED डिस्प्ले है। और अगर आप बात करोगे पिक्सल 3A XL की, उसके अंदर 6 इंच का OLED डिस्प्ले है। तो OLED डिस्प्ले दोनों के अंदर दिया गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा बड़ा है। अब जिस चीज से भाग रहे थे वो तो पहली बात है कि आपको साइज छोटा चाहिए था, तो ये फोन हमने ले लिया। काफी हल्का भी है और काफी ज्यादा हैंडी है, फटाफट काम कर सकते हैं। डिस्प्ले एक बड़ी चीज हो जाती है, आज के समय में आप कोई भी फोन लेने जाओगे तो वो 6 इंच के ऊपर ही आपको मिल जाएगा, तो वो एक चीज जो है कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो दोनों ही फोन में काफी ज्यादा बेजल्स है और दिखना वही चीज है, तो उतना बड़ा फोन लेकर सिर्फ 0.4 इंचेस का फर्क है, तो उतना मुझे फर्क लगा नहीं दोनों फोन के अंदर। बात करूंगा हार्डवेयर की, तो देखो हार्डवेयर में कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब वहां पर प्राइस की भी एक बात आ जाती है कि वो फोन आपको कितने का पड़ रहा है और ये कितने पड़ रहा है। अगर आप ऑनलाइन प्राइसेस देखोगे तो वो 45,000 का, ये 40,000 का, तो 5,000 रुपए मेरे बचने किस चीज के लिए, सिर्फ और सिर्फ साइज के लिए। हार्डवेयर की बात करते हैं, दोनों में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 670 प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। साथ ही साथ एड्रेनो 615 आपको मिल जाता है गेमिंग के लिए। और जहां तक मैंने इसके इस फोन में अभी तक गेमिंग करी, और आप देख सकते हो चैनल पर वीडियो भी है, आई बटन पे मिल जाएगा आपको, तो वो गेमिंग भी इसकी बहुत ज्यादा स्मूथ है। आप किसी भी सेटिंग्स पर खेल सकते हो, इवन मैंने हाईएस्ट सेटिंग पर भी बगमी खेला है, कोई मुझे परेशानी नहीं लगी। लैग करना बिल्कुल, मतलब इसका स्वभाव ही नहीं है, लैग वैग करता नहीं, कुछ भी परेशानी पैदा नहीं करता है, और गेमिंग आपको बहुत अच्छी मिलती है। इवन ये रिफर्बिश्ड मैंने लगभग 12-13 हजार रुपये खरीदा है, तो आप समझ सकते हो कि भाई इस प्राइस रेंज की आप 18 हजार के फोन से भी कंपेयर कर लो तो कहीं भी इसके सामने लाइन नहीं लगते हैं परफॉर्मेंस में। OS की बात करूं दोस्तों, तो दोनों ही फोन्स में आपको एंड्रॉइड 12 मिल जाता है, और ये दोनों ही फोन्स 13 पर अपग्रेडेबल हैं, उसके बाद ये रुक जाएंगे। तो रिफर्बिश्ड खरीदना मेरे लिए काफी सही था कि भाई 1-2 साल में बंद भी कर सकते हैं, और वैसे भी एंड्रॉइड 13 भी अगर इनको मिल जाता है तो 4 साल भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड्रॉइड वर्जन ही तो नहीं मिल रहा, बाकी सब चीजें तो है, और प्लस गूगल के कुछ जेस्चर्स हैं जो कि दूसरे फोन में नहीं मिलते हैं। बात करते हैं कैमरा की दोस्तों, दोनों ही फोन में आपको यहाँ पर कैमरा मिल जाएगा, जो कि 12 मेगापिक्सल के कैमरे हैं दोनों फोन में। 12.2 अगर ज्यादा प्रसाइज नहीं कहना चाहे तो 12.2 मेगापिक्सल के कैमरे हैं, और दोनों ही फोन के कैमरे में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, यानी कि OIS टेक्नोलॉजी है, जो कि आपके वीडियोज को ज्यादा स्टेबल रखता है। मतलब आपने फोन पकड़ा ऐसा रख ही दिया टेबल पर तो फिर क्या स्टेबल करना, लेकिन अगर आप हाथ से शूटिंग कर रहे हो कभी तो स्टेबल रहता है आपका वीडियो ज्यादा अच्छा। 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। जिस प्राइस रेंज में रिफर्बिश्ड खरीदा उस प्राइस रेंज में कोई भी फोन आजकल 4K 30 FPS तक भी नहीं आ रहा है, तब FHD दे रहे हैं। FHD कर सकते हो, स्लो मोशन में 120 FPS का स्पीड मिल जाता है, तो फ्रेम रेट मिल जाता है, तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। ड्यूअल फ्लैश आपको पीछे की तरफ मिल जाएंगे। फ्रंट कैमरा देखोगे तो आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दोनों फोन में। तो अभी देखो बात वही है, जो भी प्रोसेसिंग है वो सब कुछ सेम हो रही है, डिवाइस का सिर्फ साइज बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ साइज बढ़ा है। उसके लिए 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा देना मुझे थोड़ा सा खल रहा था, क्योंकि यार अभी सभी फोन इतने बड़े मिल जाते हैं, तो बड़ा फोन चाहिए तो फिर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक बढ़िया फीचर फुल फोन चाहिए तो फिर ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है।
कनेक्टिविटी की बात करूँ दोस्तों, दोनों फोन में आपको ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, वोल्टी का सपोर्ट मिल जाएगा, वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाएगी और NFC भी मिल जाएगा। तो NFC के थ्रू भी आप बहुत सारे काम कर सकते हो, है ना। तो अभी तक आपने देखा कि हार्डवेयर वाइज सब कुछ सेम है, OS वाइज सब कुछ सेम है, कैमरा सेम है, कुछ भी फर्क यहाँ पर नहीं है और दोनों का प्रोसेसर सेम है, तो कैमरा से जो भी प्रोसेसिंग होनी है वो बराबर ही होने वाली है। इस वाले फोन की फोटोज मैंने आपको दिखा चुका हूँ, अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में भी आप देख सकते हो, और फिर एक कैमरा रिव्यू जो कर रहा हूँ वो भी मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर के आऊंगा, जिसमें दिखाऊंगा कि भाई क्या क्या चीजें इसका कैमरा कर सकता है। बात करते हैं दोस्तों बैटरी की, तो दोनों ही फोन की बैटरी जो है अलग अलग है। अगर 3A की बात करूँ, इसमें जो बैटरी है वो है 3000 mAh की और इसके साथ मिलता है 18 वाट का चार्जर। अब आपको लग रहा है कॉम्बिनेशन अच्छा, 3000 की बैटरी फटाक से चार्ज होती होगी, लेकिन इस भाई साहब को जब मैंने चार्ज किया, वीडियो आपके लिए चैनल पर अपलोडेड है, देख लो जाकर के, आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो ये चार्जिंग 2 घंटे 10 मिनट का समय लेती है इसको फुल चार्ज करने के लिए, हालांकि 80% काफी जल्दी हो गया था, कहें कि 1.5 घंटे से भी कम समय में, लेकिन उसके बाद जो 20% का सफर है वो बहुत ज्यादा मुश्किल इस भाई साहब के लिए रहा और उतरने में उतने ही खास हैं। तो बताता हूँ कैसे बैटरी ड्रेन होती है इसकी। तो बैटरी चार्जिंग काफी ज्यादा मुश्किल थी, आज के समय में जब आपके पास 120 वाट के चार्जर भी अवेलेबल है और जो कि 15 मिनट में फोन को फुल चार्ज कर दे रहे हैं, ऐसे समय पर बहुत ज्यादा वो बात खल जाती है। तो एक ड्रॉबैक यहाँ पर इस चीज का, इस फोन का मुझे मिला है। अगर ड्रेन बैटरी ड्रेन कैसे होती है बता दूं, तो अगर आप 3 घंटे भी इसमें अच्छी खासी गेमिंग कर लेते हो, बदमी वगैरह खेल लेते हो, तो मतलब ये खत्म होने पे आ जाएगा, एकदम मरने पे आ जाता है, फिर इसको ये बोलने लग जाता है चार्ज कर दो चार्ज कर दो चार्ज कर दो, 5-6% बची रहेगी बैटरी, तो वो चीज आपको यहाँ पर खल सकती है। अगर आप चार्जिंग कनेक्ट करके चला रहे हो फोन, तो क्योंकि 18 वाट का ही मैक्सिमम सपोर्ट है, तो ये कम वाट पे चार्ज होगा, चार्ज कम होगा लेकिन गर्म भी हो जाता है, थोड़ा सा हीटअप होता है, उतना ज्यादा नहीं, मतलब 20,000 के फोन से इतने ज्यादा आजकल बिल्कुल मतलब ऐसे हीटर बन जाते हैं वैसा नहीं है, चार्ज होता है, गर्म भी होता है और फोन गेमिंग भी आपकी अच्छी खासी चलती रहती है। वहीं बात करूं अगर 3XL की, तो उसमें क्या मिल रहा था मुझे, 3700 mAh की बैटरी, सेम चार्जर 18 वाट के साथ। तो मैंने बोला जब ये 3000 mAh की बैटरी को 18 वाट का चार्जर 2 घंटे 10 मिनट ले रहा है, तो वहां तो 3 घंटे में चार्ज होगा, वैसे ऐसा है नहीं, वो भी लगभग 2 घंटे में चार्ज होगा, थोड़ी सी 10-12 मिनट की बैटरी मुझे ज्यादा मिल जाती थी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि इतने पैसे देने सही नहीं है। तो ये इन दोनों फोन में अंतर है। और दूसरा अवेलेबिलिटी की बात आती है दोस्तों, फ्लिपकार्ट से मैंने रिफर्बिश्ड से खरीदा है, मतलब आप कह सकते हो कि टू गुड से जो खरीदा गया है, तो वहां पर अगर होता है तो भी आप ले सकते हो। तो ये 2-3-4 फैक्टर्स थे जिनमें मैंने ज्यादातर सोचा, एक अच्छे साइज का फोन चाहिए था, ठीक ठाक सी बैटरी चाहिए थी, अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए था, वो सारी चीज मुझे इसमें कॉम्पैक्ट में मिल रही थी। ये तो इन दोनों फोन्स में जो भी अंतर है मैंने आपके सामने लाकर रख दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाना, कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लेना, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।